सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कलर चेंजिंग डिजिटल एक टेबल क्लॉक है, तो जिसको मैं आज खोलूंगा, आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ओवरव्यू दिखाऊं, आप देख सकते हैं इधर इसका टाइमिंग दिया गया है, इसका टाइम है, और इस जगह पर अगर मैं देखूँ तो इसका डेट है और मंथ है कुछ है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब अभी जो है सभी टेम्परेचर ये सब रीसेट हो गया, क्योंकि मैं अभी इसमें बैटरी डलवाया हूँ, मतलब बैटरी नहीं था इसमें, तो अभी मैं बैटरी डलवाया, इसलिए इसका टाइम जो है वो है बाई डिफॉल्ट टाइम है चला गया, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो 21 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो ये काफ़ी ठीक एक्यूरेट दिखाता है, क्योंकि मैं इसको एक बार टेस्ट करके देखा था फ्रिज में डाल के कि एक्चुअल टेम्परेचर दिखाता है कि नहीं, क्योंकि तो देखा था ठीक ही टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है। इसका धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया था, यानी कि इसका जो थर्मल सेंसर है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका ओवरव्यू होकर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर डेट टाइम तो मैं बता दिया, नीचे वाला अगर मैं पोर्शन में जाऊँ आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट है, जहाँ पर तीन बैटरी डलवा था, ठीक है, ट्रिपल ए बैटरी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन चाइना करके लिखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको चाइना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत पुराना प्रोडक्ट है, मेरे पास पड़ा हुआ था मेरे टेबल में, तो मैं सोचा कि इसको खोल के देखता हूँ कैसे काम करता है और किस क्या क्या कॉम्पोनेंट है इसके अंदर। और इस जगह आप देख सकते हैं बजर के लिए एक स्पीकर है, ठीक है। इस जगह पर आप देख सकते हैं जो है इसका कलर चेंजिंग लाइट का बटन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कलर है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस कलर को ऑन करके, ठीक है, लाइट को ऑन करके। और इस जगह देखिएगा तो अप डाउन का बटन है, सेट का है, अलार्म का है, बहुत सारे यहाँ पे बटन दिया गया है, ठीक है, जिसके वजह से इसका आप नेविगेशन को देखिए चेंज कर सकते हैं, टाइम फाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, टिक टिक करके आवाज़ आ रहा है, ठीक है, देखिए, ठीक है, पूरा नेविगेशन सिस्टम इस जगह से ही कंट्रोल होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए इस जगह बटन को दबाने से साथ साथ इसका लाइट जो है वो जलना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत सारा लाइट यहाँ पे जल रहा है एक ही साथ, आप देख सकते हैं अभी थोड़ा ग्रीन वाइज हो गया है, अभी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है, अभी थोड़ा ब्लू वाइज हो गया, ठीक है। ऐसे इसका लाइट बहुत सारा चेंज हो जाता है, कैसे होता है काम, तो अगर मैं इसका टेबल के ऊपर ऐसे रख दूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे हाथ इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बैंड है जो बैंड का है तो उसको मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भी बैंड है तो जो बैंड है पता नहीं है मुझे, तो कोई भी बैंड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर ऐसे हाथ रख रहा हूँ, ऐसे काम करता है। ऐसे मैं अगर दबाऊँ तो देख सकते हैं आप, दबाने के साथ साथ ही इसका जो लाइट है वो ब्लिंक अप हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही। तो ये फ्लैट सरफेस के ऊपर काम करता है, अगर आप टेबल के ऊपर रखिएगा ऐसे, तो दबाने से साथ साथ इसका जो बटन है वो ऑन हो जाता है और साथ से इसका लाइट जो है वो जलना शुरू हो जाता है। अगर मैं थोड़ा डार्क इन्वायरमेंट इसको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कैसे काम करता है, मतलब इसका लाइट का जो ब्लिंकिंग पावर है कितना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा डार्क इन्वायरमेंट कर चुका हूँ, क्योंकि अभी दिन का मौसम है इसलिए पूरा तो डार्क नहीं होगा, फिर भी मैं लाइट आपको जला के दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाइट का जो पावर है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लिंक करता है, ब्लिंक होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लिंक करता है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, देखिए लाइट का जो चेंजिंग हो रहा है, लाइट का जो मतलब पावर है बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं पूरा जो क्लॉक है पूरा ही पावर ऑफ हो रहा है, ठीक है, लाइटिंग हो रहा है पूरा, आप देख सकते हैं लाइट की इफेक्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है, ठीक है, दबाने के साथ साथ व्हाइट कलर भी है, ब्लू भी है। तो चलिए, तो लाइट तो देख लिए थे, इसको खोल लेते हैं, तो खोलने का कोई बात नहीं है, मुझे क्या करना होगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खोलने के लिए कोई जगह नहीं है, आप देख सकते हैं इसका नीचे वाला पोर्शन में, आप देख सकते हैं इधर कि पूरा पैक्ड अप करके यहाँ पे लगा दिया गया है ग्लू से, तो मुझे इसको तोड़ना होगा, तो आपके लिए तोड़ना ही सही, मैं इसे तोड़ूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। तो उसके तोड़ने के बाद शायद नहीं लगेगा फिर से, नहीं मतलब परफेक्ट तरीके से नहीं लग सकता है, मुझे पता नहीं है क्या क्या होगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट से तोड़ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट कैसे काम करता है, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए इसको मैं फटाफट से खोल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इस जगह पे इसको स्क्रू ड्राइवर को ऐसे ही वन हेड स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो ऐसे में लगा कि इसको यहाँ पे प्रेशराइज करता हूँ, देखता हूँ कि खोलता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कट कट करके आवाज़ आ रहा है, क्योंकि ये टूट जाएगा, मुझे पता मैंने पक्का पता है पूरा कि टूट ही जाएगा ये, ठीक है, ठीक तो नहीं होगा क्योंकि ये खोलने के लिए नहीं है,
चाइना प्रोडक्ट है यार, एक बार टूट गया तो बस खत्म। ओके तो आप देख सकते हैं पूरा इस जगह से पूरा टूट गया है। आप देख सकते हैं इधर, आप देख सकते हैं इधर क्रैक आ गया है, और इसका साउंड भी इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इधर, और इस जगह से टूट गया है, ठीक है, और इस जगह से टूट गया है, ठीक है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। तो खोलने के बाद आपके पास जो है यही है इसका क्लॉक का मेन कंपोनेंट। मैं इसको साइड में हटा लेता हूँ, ठीक है। वाह, तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ट्रांसपेरेंट है पूरा, इसका जो एलईडी है वो, मतलब इसका जो डिस्प्ले है पूरा ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर, ठीक है, तो डिस्प्ले है इधर, आप देख सकते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में यार। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर इसका एलईडी जो है ब्लिंक करता है वो वाला है। मैं एक बार चला के देखता हूँ, अभी नहीं जलेगा शायद, तो एलईडी है, ठीक है। तो नहीं, मुझे क्यों नहीं जल रहा यार, जल रहा है ये देखिए, एलईडी है, ठीक है, कलर चेंजिंग एलईडी के। इसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जी, वोल्टेज को जो स्टोर करता है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे दो दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं साइड में अगर आपको पास में लेके जाऊँ आपको दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं। इसको लाइट को मैं बंद कर देता हूँ, बैटरी को निकाल देता हूँ, ठीक है, नहीं तो लाइट की वजह से ठीक से दिखा नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर इसका एक कैपेसिटर लगा हुआ है इधर, ठीक है, और इस जगह पे दूसरा कैपेसिटर है, और इस जगह पे इसका जो मतलब थर्मल सेंसर लगा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, ए वाला जो है इसका थर्मल थर्मिंग सेंसर है। इस जगह इससे पता चलता है कौन कहाँ कितने डिग्री फारेनहाइट सेल्सियस इसका अभी टेम्परेचर है, तो एनवायरमेंट टेम्परेचर कितना है इससे पता चलता है, ठीक है। इस जगह पे एक बजर दिया गया है जिससे टिक 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 करके आवाज़ करता है, और जो एलम है उसका भी काम करता है, ठीक है। तो मैं इसके निकाल देता हूँ, आपको देखता हूँ, क्योंकि टूट ही गया है, और रख के करूँगा इसको पूरा निकाल के आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या कर रहा है। तो उस दूसरी तरह का दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरह का दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देख सकते कुछ भी नहीं है, इधर पीसीबी है, मेन पीसीबी जो है यही है, ठीक है, और इस जगह पे कुछ भी नहीं है। और इसका बैटरी का इस जगह पे जो है इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है, सब पीसीबी है, जिससे तरह से डिस्प्ले जो है वो काम करता है इससे भाया, ठीक है, पीसीबी के भाया सब पीसीबी होके इसका डिस्प्ले जो है काम करता है, ठीक है। तो इसमें मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो बैटरी को एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ कि चल रहा है कि नहीं। कहाँ गया बैटरी यार, भाग कहाँ गया। तो देखिए कनेक्ट करके साथ साथ जो आवाज़ आ रहा है वो उस बजर से आ रहा है आवाज़, ठीक है। तो अभी भी ये काम कर रहा है, ठीक ही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक ही बात है, टूट गया है इसका जो कैबिनेट है वो टूट गया है, तो कैबिनेट टूटने की वजह से तो फिर से फिक्स नहीं होगा, इसको फेंकना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जो था यही था इस क्लॉक के अंदर। तो वीडियो को पसंद आया लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।